तो भाई ये है मेरा प्रोडक्ट। अभी YouTube न्यू फ्यूचर लॉन्च कर रहा है, YouTube हैंडल तो अपना URL हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी बिगिनर से गए ना, सीख सीख के आगे गए। पहले हमारे दोस्त को उड़ाते हैं मजा गया, अबे तू क्या अजीब वीडियो बना रहे, तेरी वीडियो तो हम देखते ही नहीं है, तू मत देखो भाई। YouTube आपको एक स्क्रीन दे रहा है, आप स्क्रीन पर काम करोगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब भी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। नहीं अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं पॉडकास्ट नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? मैसेज नहीं, सिर्फ एक वीडियो। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते। समझ रहे? तो ये वीडियो किससे रिलेटेड है? दो चीजों रिलेटेड है। एक रिलेटेड है आप पैसे कितने कमाते हैं यूट्यूब से, मैं क्यों बताऊं। एक हाउ टू हैंडल यूट्यूब इन न्यू फ्यूचर आ रहा है, ये भी इन फ्यूचर आने ही वाला है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, तो पहले बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे कुछ मखसूस दोस्त और मेरे कुछ रिलेटेड जानने वाले रिलेटिव जो रहते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, क्या आपकी अर्निंग है। तो यार देखिए ये चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं और वैसे भी अभी मैंने कमाने का तो सीन ऐसा है ही नहीं। मैं अभी यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग नहीं करता हूँ, सिर्फ अभी काम कर रहा हूँ, या बिगिनर हूँ, इंटरप्रेन्योर हूँ, अभी काम ही कर रहा हूँ। और हर चीज़ के अंदर पहले सीख लेना चाहिए अच्छे से, उसके बाद उसके अंदर अर्निंग शर्निंग जो भी हो फिर बात की बात है। अभी तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बाकी जो पूछते हैं तो उनके लिए शुक्रिया भाई, आप लोग बोलते हैं इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब कुछ कर लें, तो नीड ही नहीं है अभी मुझे, समझ रहे हैं। अभी सिर्फ मेरा काम चल रहा है, तो मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ। बहुत से लोगों ने बोला यार असद नालते क्या ना, मोबाइल से वीडियो बना रहे, कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो देखो हर चीज़ बिगिनर होता है ना वो सीखता है, तो सीखने के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके साथ ये जो आप कह रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने मुझे, याद आ जाए हाँ, उन्होंने मुझे कहा था यार आपकी वीडियो के अंदर अभी क्वालिटी, देखिए क्वालिटी जब आती है, जब इंसान के अंदर इंसान उसके अंदर मेच्योर हो जाता है, उसको समझने लग जाता है। मैं अभी बिगनर हूँ, जैसे एक बच्चा होता है ना, जिसको 1 क्लास में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में जाके फिर 5 क्लास का समझ में आता है, तो इसलिए मेरा अभी बिगनर हूँ। अभी छोटा सा स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, जब आ रही है मतलब ऐसा ऐसा एडिटिंग करना नहीं आती थी वो भी सीखी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थंबनेल बनाना नहीं आता था वो भी अब कदरे बेहतर बनाने लगा हूँ, आ गया है। तो देखें इतने सारे बिजनेस में बिजी होना, शॉप पे बिजी होना, हो कैफ़े पे बिजी होना, उसके बाद ये व्लॉग बनाना, तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। अब व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया, पॉडकास्ट मैंने ख़त्म कर दिया, ये मैसेज है सही है, तो ये समझ लें एम व्लॉग है, मैसेज व्लॉग, तो सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो भाई आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं, आप लोग भी अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं यूट्यूब इस टाइम पर, समझ लें मेरे हिसाब से वल्चुअर आप काम करते हैं कहीं पर, उससे बेहतरीन अभी आपका यूट्यूब एक ज़रिया है जहाँ आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, हो सकता है आपके अंदर भी कोई मेहंदी लगाना बहुत अच्छी जानता हो, आपके अंदर भी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बनाना बहुत अच्छा जानता हो सकता है आपके अंदर कोई मैथ का टीचर बहुत अच्छा, और बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो एज़ यूजुअल आप भी कर सकते हैं, आप भी जब आप करेंगे ना, तो जो मुझे कह रहे हैं ना, तो उनको पता लगेगा कि यार हाँ वाकई में इसमें टाइम लगता है और ये इतनी आसानी से नहीं होता। और मेरे पास यकीन माने बहुत से ऐसे लोग आके बैठते हैं जो वाकई में मुझसे पूछते हैं यार सर ये बताओ टैग कैसे लगेंगे, ये व्लॉग कैटेगरी कैसे होगी। तो देखें ये सब चीज़ें मैंने भी कोई सीखा सिखाया नहीं आया था कि कोई मुझे आके वो मुझसे पूछ रहे हैं, बट वो पूछ ही हो रहे हैं क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। एक मेरे पास जैसे मैसेज भी आते हैं कि आप अपनी प्रमोशन करा लें, ये करा लें। अपने दोस्त ने हमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रमोशन का बोला है भाई मेरा ये काम है और उसको प्रमोशन कर दो, तो हालांकि चाहता तो मैं उनसे ले लेता, मसला थोड़ी था मेरे को भी पैसे अर्निंग हो रही थी, छोटी सी हो रही थी मगर अर्निंग हो रही थी, बट मैंने उनको मना कर दिया। मैंने देखा अभी मेरा उस लेवल का या उस कैलिबर का काम नहीं हो रहा है कि मैं आपकी प्रमोशन करूं या मैं अपने कंटेंट से आपके कंटेंट को हिट करूं, तो अभी वो नहीं था, बिगिनर हूं सीख रहा हूं। मैंने जिस दिन मैं एक अच्छा काम करने लग गया ना, तो फर्स्ट तो मैं आपकी करूंगा, भले आपका काम कितना भी अच्छा हो जाए मगर उस टाइम भी मैं आपकी करूंगा। तो उन्होंने बोला चलें ठीक है, ये बहुत, उन्होंने मुझे क्या बोला भैया सुने कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस तरीके से बोल दिया, ना कि आपने ये बोला कि कर दूंगा आपने मुझे आसे में, तो क्लियर मना कर दूं। देखिए अभी आपका नहीं है ना वो वसाइल, तो आप उस वसाइल के ऊपर जाएं भी मत, सीखें कोशिश करें, छोटी छोटी सी प्रमोशन ले लें अगर आ रही है तो। अब इंस्टाग्राम पे आती हैं हम लोग करते हैं, खुला करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अच्छा फॉलोइंग ये सब कुछ है। तो यह है कि अपने काम सिंसियर हो जाएं और दूसरों को भी अपने साथ कोऑपरेटिव, मतलब एक होता है ना कोलैबोरेट करके चलते हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिला के चलें, हम भी ऐसी कर रहे हैं। अब देखें ये सीखें इस यूट्यूब पर आगे, क्योंकि अगर मिलके नहीं चलेंगे ना, तो एक ऑफिस हो या एक घर हो या एक कोई ऐसी सोशल मीडिया की जगह हो, तो फिर सब आपको खा जाएंगे। तो इसलिए आपको सबको मिलकर चलना है, कोलैबोरेट से चलना है, किसी का काम आप कर लें, कोई आपका काम कर ले, तो इस तरीके से होगा। फिर काम कर रहे हो तो आपका कैमरा हाई क्वालिटी का हो, ये सब पता है क्या होता है जब आप प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाते हैं, समझ रहे हैं, तो आपको अपने मैसेज कन्वे करना है, आपको हाई क्लास परफॉर्मेंस चाहिए। तो देखें एक बिगिनर के लिए लाजमी ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए बुक होनी चाहिए तो वो पढ़ लेगा, सही है। अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो तो बाद में डिसाइड होगा ना, पहले उसको पढ़ने के लिए उसको नॉलेज के लिए एक बुक होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक बिगिनर के लिए इस यूट्यूब पे भी ऐसी है, ज़रूरी नहीं है कि वो DSLR कैमरे हों, हाई फ्रिक्वेंसी लेंस लगे उस, नहीं
कैसा भी मोबाइल हो उसको बोलना आना चाहिए, उसको आगे स्पीच अपनी कन्वे करना आनी चाहिए, तो एज सच पॉसिबल है कि आप अच्छा काम कर जाएंगे, समझ रहे हैं। जब आप इस चीज़ के अंदर, मैं मतलब मैं अपने को रिलेट करके बताऊँ, जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं तो सुन लेते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करने लग जाओगे ना, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो देखें बोलने वालों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, तो उनको तो बोलने, आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि उसको क्या पता मैं कहाँ होता हूँ उस टाइम, कब ये वीडियो बन रही है, उसको नहीं पता होगा, बट ये मैं बना रहा हूँ, मैं मुतमइन हूँ इस चीज़ से, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी YouTube ने इतना सारा सब कुछ निकाल दिया, शॉर्ट वीडियोस पे इतने लड़के काम करें, मेरे अपने दोस्त हैं कराची के, वो इतना शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मेरे पंजाब में लाहौर में इतने अच्छे दोस्त हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मतलब वो भी बिगिनर से गए ना, सीख सीख के आगे गए, पहले मुझे पता है मेरा कौन सा दोस्त किस मोबाइल से वीडियो बनाता था, आज वो कितने वाले कैमरे से वीडियो बना रहे, तो सीख गए ना, ऐसे ही मेरा भी है। देखिए मैं बनाता नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया, जैसा सर ये काम कर ले, अगर ये काम कर लेता तो तेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी और ये काम तो अच्छे से कर जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 100% देना है काम के अंदर, कोई भी ये काम हो, जैसे पहले वाली मैंने एक व्लॉग बनाया था, मतलब एम व्लॉग बनाया था, कि उसके अंदर भी मैंने आपको ये कहा था कि आपने 100% हर काम में देनी है, तो इसके अंदर भी आपने किसी का वो नहीं करना है, मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त उड़ाते हैं मजाक, अबे तू क्या अजीब वीडियो बना रहे, तेरी वीडियो तो हम देखते ही नहीं है, तुम मत देखो भाई, अभी नहीं देख रहे ना, हो सकता है आगे चल के मैं अच्छे बनाने लग जाऊँ तो फिर आप मुझे देखोगे, और जब आप मुझे देखोगे तो मेरे पास आपसे मिलने का टाइम नहीं होगा, तो वक्त बदल जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही, और दूसरी बात है, अभी यूट्यूब न्यू फ्यूचर लॉन्च कर रहा है, यूट्यूब हैंडल, तो अपना URL हम अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जैसे मुझे खुद को नहीं पता था, तो ये चीज़ें बहुत सारे फ्यूचर लेकर आ रहा है आने वाले वक्तों में। तो भाई देखें, अभी वॉचार्स का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, जो वॉचार्स काम करवाते हैं उनका भी बड़ा मसला चल रहा है, तो ये भाई देखें, खुद से करेंगे ना तो उसके अंदर आपको पता होगा आपने कितनी मेहनत की है, कोई और कर देगा तो उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा, पर उस अर्निंग के अंदर भी ना आपको मज़ा नहीं आएगा कमाने में। अच्छा, अर्निंग सोर्स है ना, वो है आपकी क्रिएटिविटी की, आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपकी क्रिएटिविटी के मिल रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या सुना रहे हो, तो ये आप मोटिवेट कर रहे हो, ये भी आपका एक बहुत अच्छा एक काम है, क्योंकि आप किसी को उस तरफ आगे मतलब बुला रहे हो, इनक्रेज कर रहे हो अपनी तरफ के, भाई आओ ये देखो, ये काम करो, अगर ये करोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है। बहुत से ऐसे जॉबलेस लड़के होंगे, पढ़े लिखे मतलब एक वेल एजुकेटेड लड़के होंगे, जो अभी ये काम करने में कतराते होंगे, मतलब वो फैमिली की वैसे दोस्तों की वजह से कतराते होंगे, यार हम डालेंगे पता नहीं हमारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, तो काम आपने करना है। देखिए YouTube भी आपको एक समझ लें, जैसे आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं ना, YouTube आपको एक स्क्रीन दे रहा है, आप स्क्रीन पर काम करोगे तो यार देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मास कम्युनिकेशन वाले हैं, वो उस टाइम पे कहीं कंप्यूटर की नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर के पास, तो उनकी फील्ड क्या आती है, वो जॉब कहाँ कर रहे हैं, तो ये तो रिलेट करता नहीं, ये तो देखिए इंसान की मजबूरी उसको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। तो अब देखें, अल्लाह का शुक्र है बहुत से ऐसे होंगे जैसे मैं भी हूँ, बहुत से ऐसे होंगे जिनको मजबूरी नहीं है। देखें माँ बाप होते हैं ना, किसी के माँ बाप हों तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ मांग सकता है, फरमाइश कर सकता है, मगर कोई अपने रिश्तेदारों से, देखें कितने भी अच्छे हों वो आपको कुछ देंगे कभी नहीं, समझ रहे हैं, आपको कुछ टाइम तक सपोर्ट करेंगे, अच्छा देंगे, मगर वो फिर आपसे ना इतना वो नहीं रखते, मतलब आप बार बार उनसे मांग नहीं सकते हो, क्योंकि आपका दिल ही गवारा नहीं करेगा यार, मैं किस तरीके से इनसे मुँह से मांगूँ, ये फिर मुझे मना कर देंगे, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। तो जब ये चीज़ दिमाग में आएगी ना, फिर आप कोशिश करेंगे यार हम मैं खुद से कुछ अच्छे से अच्छा करूं कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, समझ रहे हैं। तो भाई लगे रहें, मेहनत करें, मेरा ये मानना है कि आप लोग कर सकते हैं, मैं खुद भी कर सकता हूं, जब मैंने कर लिया तो मुझे पता है मुझसे ज़्यादा एबिलिटी वाले लड़के बैठे हैं, वो भी ये कर सकते हैं, और लड़कियाँ खासतौर पर भाई घर में बैठी हैं, इतनी वेल एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, तो उनको भी चाहिए स्क्रीन लें, यूज़ करें, इतना अच्छा यूज़ है, तो घर में ड्रामे श्रामे देखने से बेहतर है आप लेवल पे काम करें, और अच्छा काम करने वाले पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, सिर्फ क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको फेम आगे की तरफ जाने का, कोई ठीक है वो आगे चले जाएं, तो भाई YouTube इस टाइम पे बेहतरीन काम कर रहा है, अर्निंग इसमें अच्छी अर्निंग भी है, कम अर्निंग भी है, मगर देखें अर्निंग तो इंसान की बात होती है, पहले वो उस पर काम करें, मतलब किसी भी कंपनी में जाने के लिए उस कंपनी में जाने से पहले वो कंपनी आती होती है, वो काम क्या आता है, तो ये भी वही कहेगी आपको आता क्या है। अब आप बताओगे भाई देखें मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं फैशन के रिलेटेड बहुत कुछ बता सकती हूँ YouTube पे, तो फिर आप बताएं। अब आप एक डॉक्टर हैं, आप मतलब आप YouTube पे कोई भी अपनी बीमारी लिखते हैं, आपको YouTube दर सब कुछ बता देगा, ठीक है, तो वो क्या है, लोगों ने देखें जिनको पता था ना उन्होंने बना बना के डाल दी, हालांकि उसमें कुछ बातें गलत भी होंगी, कुछ बातें सही भी होंगी, मगर अगर एक पढ़ा लिखा लड़का उसको मानने से इनकार करेगा, उनको पहले डॉक्टर को रेफर करेगा, मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को दिखाऊं, तो मगर वो आपकी बात को भी इस हद तक मानेगा कि उसको फर्स्ट एड चाहिए तो उधर देख के कर सकता है, तो आप वहाँ डॉक्टर के मशवरे भी दे सकते हैं अच्छे, मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्टर अगर उस पर ये चीज़ें देते हैं तो ये उधर का वो भी बेहतर है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मेरे पिछले व्लॉग भी एम मैसेज लाजमी देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, बोरियत हुई हो तो मैं सॉरी कर लेता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई आगे और देखिएगा, ठीक है, तो फिर अस्सलाम वालेकुम।